Sajid Mehta in the production, that is Ik. So when you were conceptualizing the character and when you approached him, what was the idea to keep it different from Ik? See, that's a good question because क्या है कि टाइगर ने सीरिया खत्म कर दिया बागी थ्री में एंड टू में ही फिनिश्ड पूरा गोवा हुआ सब तो फिर ढूंढ रहे थे तो क्या बोले थे वर्ल्ड वांट्स टू किल सो नाउ वर्ल्ड इज बिहाइंड टाइगर नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी सो ये कोई विलन मिल नहीं रहा था थैनोस जैसा सो व्हाट वी हैड टू थिंक इज गेट अ विलन विद माइंड एंड अ मैन हु कैन एक्सप्रेस विद हिज आईज तो वी रोट अ कैरेक्टर एंड उस कैरेक्टर का नाम निकला लैला एक आदमी जिसका नाम लैला है and he's a confused soul ab isko kaun portray karega so the whole film there is no action but there's so much action between both of them so he plays a magician to ek hi naam zehen mein aaya tha aur wahi naam tha aur wo tha Nawazuddin Siddiqui so when I offered him the film I said Nawaz bhai film aapko narrate kar raha hu aapka character narrate kar raha hu aur teesri baat bol raha hu ye aapko karni hai option hi nahi hai but when he heard the character he loved it but definitely jab सलमान खान साहब के साथ ने कोई एक विलन खड़ा रह सका है ऑफ लेटली वो था नवाजुद्दीन सिद्दीकी विद द बील डॉल एंड द फिजिकलिटी व्हिच ही डजंट हैव उसके बाद आई थिंक टाइगर के सामने वी वांटेड दैट सेम वाइब एंड ऑफ कोर्स इट वाज डन बाय माय एल्डर ब्रदर साजिद नडियाडवाला तो आई सेड व्हाई नॉट प्रोसीड इट फर्दर अहेड सो दैट्स व्हाई लैला केम एंड नवाज भाई केम ऑन बोर्ड टाइगर